नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में और आपको बता दें कि जो तीन राज्यों में विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसका जो परिणाम है, जो रुझान है, वो बीजेपी के तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। तीन राज्यों में चुनाव हो रहा है, पांच राज्यों में चुनाव हुआ है, तीन राज्यों का प्रतिफल दिख रहा है। साउथ में हम बढ़े हैं, बहुत तेजी से बढ़े हैं। मोदी जी की स्वीकार्यता बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है बड़े बड़े स्तर पर। और ये जो जीत है, लोग अफवाह फैला रहे थे कि मोदी जी का सुफरा साफ हो रहा है, मोदी जी की स्वीकार्यता कम हुई है। एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, ये कार्यकर्ताओं की जीत के साथ साथ जिसको भी राष्ट्र की चिंता होगी वो मोदी जी को चुनेगा। और 75 के देश की आजादी के बाद, 75 वर्षों के बाद महिला की चिंता करने वाला एक देश का प्रधानमंत्री पैदा हुआ है और उसको ये बहनों ने सौगात के रूप में दिया है कि आपने मेरे लिए सोचा, हम सिर्फ और सिर्फ आपको चुनेंगे। कितनी खुशी है, खुशी मैं इस शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एक कार्यकर्ता का सबसे बड़ा सौगात क्या होता है पता है? हम लोग कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का सौगात है अगर हमारी पार्टी जीतती है तो ये कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। इससे बड़ा उपहार के कार्यकर्ता के लिए नहीं हो सकता। बहुत बड़ा। क्या लगता है कि बिहार में भी चुनाव? देखिए बिहार में भी हम आगे बढ़ेंगे और बिहार में भी अपनी ही सरकार बढ़ाएंगे। बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल 2025 में। कितनी सीटों पर, कितनी सीट लाएगी बीजेपी? देखिए सीट की बात अभी हम नहीं करेंगे, ये सब देखिए कि वो लोग बात करते हैं जो धरातल पर नहीं होते। हम धरातल के कोने कोने में कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता जागेंगे और अपना ही यहाँ पर बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। देखिएगा, देखिए कुछ लोग हैं, देख सकते हैं काफी खुशी है महिलाओं में, पुरुषों में, बीजेपी के नेताओं में, बीजेपी के नेत्रियों में काफी खुशी है। जी बताइए कितनी खुशी है जो तीन राज्यों में बीजेपी का? इतनी खुशी की मैं बता नहीं सकती हूँ। इतनी खुशी, बहुत खुशी, बहुत खुशी। क्या करेंगे, आगे की तैयारी करेंगे। सभी महिलाएं जानती हैं, महिलाएं नारी शक्ति से घर चलता है। एक एक घर से एक एक वोट लेंगे, सभी का वोट लेंगे और हम लोग लोकसभा में अब अखंड भारत का जो सपना हमारे देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनके लिए हम लोग 40 का 40 सीट देंगे। भारत का जो सपना है कितना साकार होगा? 100% साकार होगा, 100%, क्योंकि जो श्री राम के साथ है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हमने महाकाल का महाकाल के शरण में गए और महाकाल जी का आशीर्वाद लिया और हमने काशी जाकर के विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लिया और हमने अयोध्या में हमको आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए हमारे साथ सभी देवी देवता हैं और हमारे सबसे आ रहे हैं और इसलिए पहले ही सब कुछ कर दिए बिना है। सब कुछ हो गया अद्भुत, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए कितना सब कुछ दिया है, आरक्षण दिया, सब कुछ किया, 370 हटाया, सब कुछ किया। क्या कांग्रेस ने ऐसा किया था? नहीं किया था। तो मोदी जी का कुछ काल में क्या नहीं किया? जो मोदी जी का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है, होता हुआ कि हो गया, अब क्या बाकी रह गया है? अब 24 में भी सोच रहे हैं, लोकसभा का चुनाव है 24 में, बिल्कुल आप लोग देखिएगा, हम ही लोग बोलेंगे, पूछिएगा। कितनी खुशी है? खुशी का हम इजहार नहीं, खुशी तो शब्दों में नहीं कर सकते, इसको बयान नहीं है। खुशी इतनी आप देख सकते हैं कार्यालय मुख्यालय में, भाजपा कार्यालय में कितनी जन सैलाब उमड़ा हुआ है, खुशी तो है ही है। लेकिन एक मेरा सवाल है, ये जो परिणाम आया तीन स्टेटों का भाजपा के पक्ष में, चाहे आ रहा है जो, अब बताइए पनौती कौन है? पनौती कौन पनौती मानते हैं नहीं, आप बताइए ना पनौती कौन है? आप बताइए जो पनौती हमारे महामंत्री जी को पनौती कर, आप बताइए खुद ही अब पनौती कौन सिद्ध हो गया है? आप सनातन को गाली बकेंगे, आप जातीय जनगणना को खिलवाड़ बना के रखे हुए हैं, उसमें आपने घोटाला किया, क्या क्या नहीं किया, उसका तो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और सनातन पनौती की बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू विरोधी है। कौन हिंदू विरोधी है? भाजपा बीजेपी हिंदू विरोधी है? अब कभी भारतीय जनता पार्टी के मुंह से किसी भी कार्यकर्ता के मुंह सुने हैं कभी भी सनातन को गाली बकते या अपशब्द का प्रयोग करते हुए? तो हर समय तो वो लोग करते हैं, विपक्ष वाले करते हैं, कांग्रेस वाले करते हैं, जदी वाले करते हैं, राम को खिलवाड़ समझा उन्होंने, राम को आराध्य नहीं माना, तो सब तो वो करते हैं। इल्जाम तो अब करेंगे, भाजपा पर ठोकेंगे, अब ये भी आएगा कि ईवीएम में गड़बड़ था, हर तरह की बयानबाजी अभी होगा। भारतीय जनता पार्टी का जीत है, जीत हुई है, ये 24 का ही परिणाम है। आज जो परिणाम आया है 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी बीजेपी एकदम।
क्यों, जब तीन राज्यों स्टेट में जो सरकार बनी हमारी बनने जा रही है उसका असर तो 24 में पड़ेगा ही। 24 लोकसभा जब हम पूर्व बहुमत से आएंगे तो उसका असर तो बिहार में पड़ेगा 25 में ही। निश्चित तौर पे घमंडिया गठबंधन बिहार में भी साफ होने जा रहा है और 25 में, हाँ 2025 में भी हम सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग सरकार बनेगी भाजपा का। 2025 में भारतीय जनता पार्टी की बिहार में भी सरकार बनेगी। देखिए किस तरीके से बीजेपी के नेताओं में खुशी की लहर है, तीन राज्यों में जो चुनाव का परिणाम है वो बीजेपी के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में नेत्रियों में काफी खुशी की लहर है। आप देख सकते हैं कि तिरंगा लहराकर खुशियां जाहिर की जा रही है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। हम तमाम लोगों से बात किए, इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इस तरह के तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद।